आई एम सॉरी, जो जो फेक टीआरपी टीवी है, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आई एम रियली सॉरी, आई वोंट डू दैट। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, इवन महबूबा मुफ्ती इज नो मोर फॉर पावर। लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकू ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, इवन महबूबा मुफ्ती इज नो मोर फॉर पावर। मैं पहले भी पावर के लिए नहीं थी, और जब तक हम सरकार में रहे, हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद, हम तो जल बुन गए, मगर हम बीच में खड़े रहे, हमने उनको हाथ नहीं लगाने दिया। ये तो बदकिस्मती है। वाजपेयी भी इसी जमात का था। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। ठीक है, मेरे जवाब तो सुनो मेरे भाई। ये जो किया, ये हिंदुस्तान की, एक सवाल का जवाब देने दो ना। ये जो भी किया, ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने किया ना। जम्मू कश्मीर की असेंबली तो नहीं किया, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। इट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको उन्होंने डेसिक्रेट किया, उसको खत्म कर दिया, उसकी बेइज्जती की, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने पार्लियामेंट को मिसयूज किया। मैंने कहा द पार्लियामेंट हैड नो राइट टू डू इट। मुफ्ती साहब ने तो कुछ सोच समझ के इस जुर्म को बोतल में बंद कर दिया था, जो बाद में बाहर आ गया। उनकी तो शिकायत मुझसे यही है कि आप जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने 12,000 छोड़ दिए। आप जमात इस्लामी को कंट्रोल नहीं करती हो, आपने जमात इस्लामी छोड़ दी। आप लाश मिलिटेंटों की वापस क्यों देती हो? इन चीजों पे तो हमारा आपस में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सरकार गिरी और उन्होंने फिर हर चीज का बदला जो है कश्मीरियों से लिया और पार्लियामेंट को मिसयूज किया। दे डिसरिगार्डेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए। इसका यह कतई मतलब नहीं कि वो जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करेंगे वो सही है, वो गलत है। वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत। ये किसको मालूम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाएंगी जब उनके पास ब्रूट मेजोरिटी होगी? क्या ब्रूट मेजोरिटी का ये मतलब है कि आप तलवार चढ़ा दो लोगों के सरों के ऊपर? डज दैट मीन टू हैव अ ब्रूट मेजोरिटी? पर अनफॉर्चुनेटली ब्रूट मेजोरिटी उनके पास आई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया और यहां से लूट के ले गए वो चीज जिसपे उनका कोई हक नहीं था। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुतलह करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptrust.in पर दस्तयाब है। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, I have no interest in elections. Let me tell you that. मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती has got nothing to do with the elections. Let me tell you that. I am sorry, जो fake TRP TV है, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। I am really sorry. I won't do that. देखिए, ये तो बीजेपी की कोशिश है to divide people, कश्मीरी and डोगरास, शियाज एंड सुनीज, गुजर्स एंड पहाड़ीज, मगर हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, अ बंच ऑफ पीपल में गेट टुगेदर इन जम्मू एंड आस्क फॉर समथिंग, मगर उसका ये कहीं मतलब नहीं है कि हम जो हम कर रहे हैं उसको वो नेगेट कर सकते हैं। वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव सेड एंड इंशाल्लाह वी विल यूनाइट पीपल। हम अभी तो आपस में हमारा यूनाइट होना कितना मुश्किल था। कि आई एम नॉट, माई स्ट्रगल विल नॉट बी कन्फाइंड टू रेस्टोरेशन ऑफ 370, इट विल गो बियॉन्ड दैट। It will be for the resolution of Kashmir problem. उसमें जो भी हमारा रोल बनता है हम उसको करेंगे। वो तो सबको पता है कि वो जो कागज लाए थे पहले पहले एक महीने के बाद ही, वो जो कि भाई हम बाहर जाके 370 पे बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसका तो आपने खुद देखा, जब हमारी कुछ लेडीज निकली जम्मू कश्मीर की, उस दिन उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया तो उन सबको जेल में डाल दिया और उसके बाद बॉन्ड लिख के लिया उनसे भी कि हम एक साल तक बात नहीं करेंगे। तो ये तो दिस इज, देयर इज नथिंग टू गेस अबाउट इट। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिकल फाइट है। ठीक है, जुडिशरी में केस है, मगर जब तक आप इसको पॉलिटिकली इसको फाइट नहीं करोगे, एक
माहौल नहीं बनाओगे तो आपको पता है ये जो बाबरी मस्जिद में उन्होंने कहा कि वहाँ कोई बुत शुद्ध नहीं थे, वहाँ कोई सबूत नहीं मिले, उसके बाद लैंड किसको दे दी गई, मालूम है ना आपको। इसी तरह से वो खुद गिर गई मस्जिद। तो इसका मतलब है कि बाहर जो इन्होंने माहौल बनाया बीजेपी ने मंदिर के हक में, उसका भी कोई ना कोई रोल बनता है। इसलिए बाहर जो हम माहौल बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को तो इसको एंटर ही नहीं करना चाहिए था पहले, जब उन्होंने जो पहले, क्योंकि इसका फैसला संपत प्रकाश में हो चुका है, कई बार इसका फैसला हो चुका है कि इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो इसके खिलाफ रिट पिटीशन जब दाखिल हुई थी 35A और 370 के खिलाफ, तो वही गलत था एक हिसाब से। और अब हम चूंकि अलायंस में है, मैं उस लेवल पे भी बात नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया हमने पंचायत इलेक्शन का बायकॉट किया था, वो इकट्ठा फैसला। अब हम सब फैसले इकट्ठे करें। मेरी जहां जात का सवाल है महबूबा मुफ्ती का, तो महबूबा मुफ्ती जो है इस झंडे के बगैर, अपने आईन के बगैर कोई हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये है कि वो बड़ा नुकसान किया उस वक्त, वो कोई बीजेपी का डेलीगेशन नहीं था, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन था जिसमें और जमातों के लोग थे और बड़ी उम्मीद लेके आए थे और हमारे दरवाजों पे आए थे। अगर हम बात भी नहीं करते, कम से कम उनको अंदर बुला के एक कप कहवा देते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि हमारे लोग गए हैं कश्मीर के लोग क्या कहेंगे। उसकी वजह से जो हमारे पूरे मुल्क में हमारी छवि खराब हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सीज फायर हुआ एक महीने का, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। डायलॉग की बात कई बार राजनाथ जी करते रहे, जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगता है कि हमने जो यहाँ जो कुछ कर सकते थे वो हमने न करके उसको नकारते हुए, उससे हमें ही नुकसान हुआ। मुल्क को, वहां के बीजेपी को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ। देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1,000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक खड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं 1,000 स्क्वायर किलोमीटर। मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्हें वापस लिए, अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहां से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रही है, तो यू कांट डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। तो दीज आर ऑल रियलिटीज, यू कांट डिनाई देम। नहीं देखिए, ये तो आप, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैं, मुझे याद आ गया जो कनन गोपीनाथन है, आई वुड लाइक टू यू नो थैंक यू एंड अप्रिशिएट, जिस तरह उसने रेजिग्नेशन दिया हमारे लिए, मैं उसको सलाम करना चाहती हूँ, कनन गोपीनाथन को, जिन्होंने और भी जो स्टालिन बहुत सपोर्ट किया, चिदंबरम जी ने सपोर्ट किया, ममता बनर्जी ने काफी हमारा सपोर्ट किया इस टाइम में, तो ये और कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी सपोर्ट किया।